স্কুলটির নিষিদ্ধপল্লী এলাকায় ভ্যাকসিন কাণ্ডে এবার প্রশাসক সদস্যা তাবাসসুম আরার নামে অভিযোগ জানালো বিজেপি। রবিবার কুলটি থানার লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এদিন বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের নেতা জিসান কুরেশি বলেন, কালকে যেভাবে তাবাসসুম আরা ভ্যাকসিন দিয়েছে তাতে তার কাছে কোনো ট্রেনিং নেই, তিনি কিভাবে ভ্যাকসিন দিলেন। অপরদিকে বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নেতা ভি শিবদাসন দাশু বলেন, সিএমওএইচ নজর রাখছেন, যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে, আর পার্টি নজর রাখছে বিষয়টিতে, আর বিজেপি এটাকে বেকার মুদ্রা বানাচ্ছে। বিজেপির হাতে কিছু নেই, তাই এটাকে মুদ্রা বানাতে চাইছে। গতকাল ভ্যাকসিন কাণ্ডে ইতিমধ্যেই শোকজ করা হয়েছে তাবাসসুম আরা সহ এক ডাক্তার ও দুই নার্সকে। मैं तबस्सुम आरा के नाम पे ही कंप्लेन किया हूँ। जो आपका पूर्व डिप्टी मेयर आशीष नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के मेंबर है, वो कल आपका न्यामतपुर लच्छीपुर एरिया में आपका यूनियन कर्मी को वैक्सीन देते हुए दिखे। तो ना उनके पास नर्सिंग का कोर्स है ना कुछ है, और वो वैक्सीन देने चली गई। जब उनसे पूछा गया कि आपने वैक्सीन दिया, नहीं मैं वैक्सीन नहीं दी हूँ, मैं जागरूक कर रही हूँ। तो बाबा जागरूक हाथ में सुआ लेकर नहीं होता, जागरूक आप है ना जो डॉक्टर सुआ देकर चले जाते उसके बाद भी इस तरह करते हैं, ये भी जागरूक होता है। केवल तृणमूल कांग्रेस और ये आपका तृणमूल के नेत्री लोग जो उसी तरह का जनता के बीच भ्रम फैलाती है, वैक्सीन गलत तरीके से देगा। अगर बाय देव अगर कुछ होता है अगर महिला के साथ, क्या इसका जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस या मैंने ये तबस्सुम आरा जी लेगी। इसी के खिलाफ मैं आपका कुल्टी थाना में FIR किया हूँ, और यहाँ के ICC से मैं बोला हूँ जल्द से जल्द इसका पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर यहाँ नहीं हुआ तो मैं आगे आप हर्षवर्धन जी से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मैं